पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आखिर सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया? ईडी और सीबीआई के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ कैसे की। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि चिदम्बरम की देश विदेश में हजारों करोड़ की संपत्तियां जांच के दायरे में आ गई है। FIPB क्लियरेंस को ही लें तो INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस डील के अलावा चार अन्य मामलों में भी चिदम्बरम की भूमिका की जाँच की जा रही है। ईडी और सीबीआई का कहना है कि जांच शुरू होने के बाद से ही अग्रिम आवेदन पर चल रहे पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम ने कभी भी पूछताछ में सहयोग नहीं किया। देश विदेश में स्थित हजारों करोड़ की संपत्तियों के सबूत लेटर रेगुलेटरी भेजकर उन देशों से मंगाए गए। इसके अलावा जांच के सिलसिले में मारे गए छापों में जब्त ईमेल, हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेजों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम दस्तावेज भी पाए गए। इन दस्तावेजों के बारे में चिदम्बरम से पूछताछ जारी। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि लगभग 1.5 साल से एजेंसियां उनसे पूछताछ का इंतजार कर रही। वो किसी भी कीमत पर पूछताछ का मौका गंवाने की स्थिति में नहीं है। ईडी के सूत्रों की अगर माने तो रिश्वत की रकम लेने के लिए कीर्ति चिदम्बरम ने देश विदेश में कई मुखौटा कंपनियां बना रखी थी। वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम विभिन्न कंपनियों की गैर कानूनी मदद करते थे। बदले में मुखौटा कंपनियों में रिश्वत का काम होता था और रकम जमा करा दी जाती थी। ईडी का दावा है कि ऐसी ही एक मुखौटा कंपनी के खाते में 300 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। इस तरीके को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक मुखौटा कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स और निदेशकों ने अपने शेयर कीर्ति चिदम्बरम की बेटी के नाम स्थानांतरित करने की वसीयत लिख रखी थी। ईडी ने यह भी दावा किया है कि कार्तिका एक मुखौटा कंपनी में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित एक कंपनी से बड़ी रकम जमा कराई गई। इस कंपनी का नाम पनामा पेपर्स में भी आया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्ति और पी चिदम्बरम के विदेश में 2 दर्जन से अधिक बैंक खाते भी मिले हैं जिनमें करोड़ों की रकम जमा कराई गई थी। काले धन की रकम का इस्तेमाल पी चिदम्बरम और कार्ति अपने निजी खर्चों में करते रहे हैं और इसके सबूत भी हैं। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चिदम्बरम के खिलाफ डियागो स्कॉटलैंड, कटारा होल्डिंग, एसआर स्टील और एल्फोर्ज में FIPB क्लियरेंस में भी चिदम्बरम के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज करके जांच शुरू की जा सकती है। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति के पास स्पेन में टेनिस क्लब और ब्रिटेन में कॉटेज है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यह भी दावा किया है कि स्पेन के बार्सिलोना में जमीन और टेनिस क्लब की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए। कार्ति ने भारत और विदेश में भी 54 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद रखी है। ईडी के पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि संपत्ति खरीदने में जो पैसे लगाए गए हैं वे INX मीडिया सौदे में रिश्वत से मिले थे। इसी मामले में चिदम्बरम गिरफ्तारी से बचते रहे हैं। दोनों पिता पुत्र INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित हैं। उनके खिलाफ करोड़ों रुपए में एयरसेल मैक्सिस सौदे की जांच भी की जा रही है। दोनों मामलों की जांच सीबीआई और ईडी के जिम्मे है। दोनों के मामले में आरोप पत्र दायर हो चुका है। उनकी कुछ संपत्तियां अटैच भी की जा चुकी है। चिदम्बरम के पास और बाग बंगले की को भी अटैच किया गया है। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि चिदम्बरम INX मीडिया मामले में लंबे समय से गिरफ्तारी को टाल रहे थे। मार्च 2017 में FIR दर्ज करने के बाद 2018 की शुरुआत में ही ईडी और सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। चिदम्बरम ने पहले ही ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। सीबीआई और ईडी ने उन्हें बार बार बुलाया और 27 बार अग्रिम जमानत आगे बढ़वाई। इधर राहुल और प्रियंका का यह कहना है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर चिदम्बरम का चरित्रहनन कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में कहा कि चिदम्बरम सत्ता की नाकामियों को बिना डरे सामने लाते रहे, इसीलिए सरकार शर्मनाक तरीके से उनके पीछे पड़ी है। चिदम्बरम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कानूनी लड़ाई के अलावा राजनीतिक लड़ाई की रणनीति पर भी मंत्रणा शुरू कर दी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।